अरे बच्चों, ग्रामर में आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताने के बाद आज बताएंगे सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट यूज इन वर्ड, जनरली यूज दीज वर्ड इन ए ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द को हम बोलते हैं, शब्दों के समूह को, एक वर्डों के समूह को ग्रुप में बोलते हैं, वे सेंटेंस में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। कहने वाला शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, जिसको बोलने से कुछ उसका अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस आर फोर चार प्रकार के होते हैं, फोर काइंड्स। दोज विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्टन। कहने मतलब जिसमें केवल स्टेटमेंट हो, कोई कथन हो, उसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे हैम्प्टी डैम्प्टी स्टेट ऑन ए बॉल, ये एक सेंटेंस है। विच मेक्स आस्क ए क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाला भी सेंटेंस है। जैसे वेयर डू यू लिव। अगला है विच एक्सप्रेस कमांड, कोई कमांड दें जिसमें यू ऑलरेडी साइलेंट होता है, रिक्वेस्ट होता है, इंटरलियर होता है। जैसे बी क्विट, है मर्सी अपान अस। कहने मतलब यहाँ यू साइलेंट होता है, निर्देश देते समय व्यक्ति सामने होता है, इसलिए। चौथा है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग, जिससे बोलने से किसी का आपको हृदय से कुछ आभास हो, ये सेंटेंस। जैसे हाउ गो कोल्ड द नाइट इज, कितना कोल्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी संबोधन शब्द, ये चिन्ह भी होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए वाला ये दिया है। जैसे आपको अब समझाने के लिए बता रहा है, ए सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। जिसमें केवल कथन हो, साधारण कथन हो, उसको असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेशन या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जैसे दूसरा था इंट्रोगेटिव हो गया। तीसरा है ए सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा है ए सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। बच्चों, सबसे बड़ी बात, सेंटेंस किसी कथन को बोलने का चार तरीका हो सकता है। पहला डिक्लेरेटिव हो सकता है, साधारण वाक्य। दूसरा तो क्वेश्चन वाक्य हो सकता है। तीसरा इंपरेटिव हो सकता है, जिसमें ऑर्डर दे, संदेश दें, कोई रिक्वेस्ट करें। एक्सक्लेमेटरी जैसे एकाएक कोई सडन बोले, वो चीज़ है, जैसे आप किताब में दिया गया है। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, किसी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। व्हेन ए मेक ए सेंटेंस वी नेम ऑफ सम पर्सन आर थिंग्स। एक दो भाग होते हैं, पहला भाग जिसमें नेम पर्सन थिंग्स होता है, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है सेइंग समथिंग अबाउट द पर्सन, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब कि सेंटेंस में दो चीज से मिलके बनाता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो उस सेंटेंस को करने वाला होता है। दूसरा प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अदर वर्ड में यू हैव सब्जेक्ट स्पीक अबाउट में प्रेडिकेट अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कहता वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो जो सब्जेक्ट कहता वो प्रेडिकेट हो जाएगा। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट, प्रत्येक दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ए पार्ट नेम पर्सन थिंग्स स्पीक अबाउट कॉल्ड इट द सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस का कर्ता होता है, मेन कार्य करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा आता है प्रेडिकेट, विच पार्ट्स टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दो पार्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको प्रेडिकेट, दिस कॉल्ड ए प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। जो कर्ता के बारे में बताए उसको प्रेडिकेट कहते हैं।
द सब्जेक्ट आर सेंटेंस यूजली फर्स्ट बट ऑकेजनली ओकेजनली इट पुट आफ्टर ए प्रेडिकेट। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हेंस कम्स द बस, स्वीट आर ए यूज एन एडवर्सिटी। अगला पांचवा इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट लेट आउट एस सिट डाउन। इसमें सब्जेक्ट यू साइलेंट है, अंडरस्टूड है। थिंक्स हिम ही द सब्जेक्ट यू असर्टिव अंडरस्टूड है। ये इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। कहने मतलब किसी चीज़ को बोलने का, किसी कथन कहने का चार मुख्य हैं। वो डिक्लेरेटिव कथन हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है, आज्ञा या रिक्वेस्ट में हो सकता है, या विरोधाभास या किसी व्यंगात्मक में हो सकता है। उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। धन्यवाद।